नमस्कार और आप देख रहे हैं क्लैप ट्रैप। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे बहुत सारे मेड इन इंडिया वाटर फाउंटेन्स। ये अलग अलग फॉर्म एंड शेप एंड साइज में आते हैं। आप अपने थीम के हिसाब से इंडोर और आउटडोर स्पेस के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। टेरेस गार्डन हो, बालकनी हो, ड्राइंग रूम हो, लिविंग रूम हो, आप अपने साइज़ के अप्रोप्रिएटली इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग अपने वर्क स्टेशन के ऊपर भी छोटे फाउंटेन रखते हैं क्योंकि इनकी इम्पोर्टेंस सभी रिलीजन्स में काफ़ी प्रोमिनेंटली बताई गई है। इसके अलावा फेंग शुई और वास्तुशास्त्र में भी इसकी खास इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले हम देखेंगे ये कैसे बनते हैं, उनका एक फिटनेस टेस्ट करेंगे, फिर आपको ढेर सारे फाउंटेन दिखाएंगे। ब्यूटीफुल प्लेस। ओके, थैंक यू। ऑलराइट, आपने ऑलरेडी कंपनी का इंट्रोडक्शन दे दिया हमारे व्यूअर्स को। हाँ जी, हार्मनी आर्ट एंड क्राफ्ट। आर्ट एंड क्राफ्ट, राइट। अब हमारे पास कुछ सवाल हैं, वो स्टार्ट करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम अपने व्यूअर्स को कंपनी के बारे में दे दें। आपकी कंपनी और क्या क्या चीज़ बनाते हैं, कितने साल से हैं आप? एक्चुअली मेरे फादर का बिजनेस है और हम यहाँ पे 25 ईयर्स से हैं। हमारी मैन्युफैक्चरिंग है वाटर फाउंटेन्स की, पिछले 25 ईयर्स से वाटर फाउंटेन बनाते हैं। हाँ जी। ऑलराइट, इंडोर आउटडोर हर तरह के? इंडोर आउटडोर दोनों। ठीक है, आपके लिए थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल होगा, माइक को इस तरह से आपको होल्ड करना पड़ रहा है, बिकॉज सी इट्स अ ब्यूटिफुल जॉइंट साउंड ऑफ मल्टीपल फाउंटेन्स अराउंड यू एंड इट्स मेसमराइजिंग, सो ब्यूटिफुल। हम रिवील करेंगे हमारे व्यूअर्स को और दिखाएंगे कि कितना खूबसूरत कलेक्शन है। बट बिफोर दैट एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है जो हम दे रहे हैं कि आपकी कंपनी जिस एलिमेंट ऑफ नेचर में डील करती है वो है वाटर। एंड वाटर एज यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, आप ऑलरेडी जानते होंगे कि इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। चाहे वो कोई रिलीजन ले लें आप, लाइक क्रिश्चियनिटी में होली वाटर होता है, हिंदुइज्म में पंचामृत होता है, वाटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, सिखिज्म में वाटर अगेन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, सो इज विद इस्लाम, राइट। फेंग शुई, वास्तुशास्त्र, एवरीवेयर वाटर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हाउ डू यू सी पानी की क्या इंपॉर्टेंस देखते हैं आप इंटीरियर एस्थेटिक्स में? एक्चुअली ये वास्तु के हिसाब से भी होता है, लोग मानते हैं रनिंग वाटर काफ़ी अच्छा होता है, राइट। और अगर कॉर्नर में लगे रनिंग वाटर तो और अच्छा होता है। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। तो हमारे पास काफ़ी सारे कॉर्नर की वैरायटी भी हैं और आउटडोर में भी है, जैसे आप पीछे बड़े पीसेस देख सकते हैं। बिल्कुल। और बाकी हमारे पास 3 to 4 feet, 2 feet की वैसे स्टार्टिंग रेंज है। ठीक है। हाँ जी, मतलब छोटे से छोटा 2 feet का है। हाँ जी। और बड़े से बड़ा 7, 10 feet, 8 feet आपके पीछे है। अच्छा, 8 feet शिव जी। हाँ जी, डन। एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है फाउंटेन्स का, बिसाइड्स ब्यूटी, रिलीजन, मेडिटेशन, देयर इज अनदर एलिमेंट इज साउंड। साउंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। सो ऑल दीज फाउंटेन्स, टू ऑल ऑफ देम आर एक्चुअली गुड फॉर साउंड और सम ऑफ देम आर वेरी साइलेंट? कुछ फाउंटेन साइलेंट भी होते हैं, जैसे स्लेट टाइप में होते हैं, उनमें पानी लग के आता है, वो साइलेंट भी होते हैं। कुछ में पानी की आवाज़ काफ़ी तेज़ हो सकती है, जैसे आप सुन ही रहे हैं, मेरे को माइक लगाना पड़ रहा है आगे। बिल्कुल, क्योंकि पानी की आवाज़ ज़्यादा कैप्चर हो रही है। ठीक बात है। चलिए एक काम करते हैं, छोटे से क्विकली हम देख लें। वी हैव अ लार्ज प्रोडक्शन यूनिट, लॉट ऑफ पीपल आर ऑलरेडी वर्किंग विद यू। आई पर्सनली वांट टू थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस हियर बिफोर वी बिगिन द वीडियो, बिकॉज वी आर प्रमोटिंग इंडियन आर्ट दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड एंड एक्सपोर्टेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट। इंडिया के बाहर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारा एक्सपोर्ट भी होता है पैन इंडिया के अलावा। तो ये हम सब के लिए, सब हिंदुस्तानियों के लिए बहुत गर्व का वक्त है, गर्व का समय है। एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल दैट यू इनवाइटेड अस। छोटा सा ग्लिम्स देख लें जहाँ पे काम चल रहा है। बिल्कुल, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। बेसिकली यहाँ पर सारे फाउंटेन्स रेडी होते हैं बाय मोल्ड और यहीं सारे प्रोडक्ट्स हमारे रेडी, सारा यहीं रॉ प्रोडक्ट्स आते हैं और फिर होते हैं पेंट। ये अच्छा। जो पेंट्स हैं ये होते हैं वॉशेबल इजिली, जैसे आप आउटडोर रख रहे हैं, गंदे हो जाते हैं प्रोडक्ट्स, तो आप इजिली वॉश कर सकते हैं। ठीक है। तो ये रॉ जो अभी मयंक हमको बता रहे हैं, दिस इज द वे द स्ट्रक्चर इज रेडी आफ्टर फाइलिंग, सैंड पेपर, ऑल जॉब इज डन, देन वंस दे आर काइंड ऑफ डन, देन दिस कम्स टू एन आर्टिस्ट, आर्टिसन विल पेंट इट। बिल्कुल। ओके, इनमें हम सब इको फ्रेंडली कलर्स यूज करते हैं, वाटर पेंट होते हैं, वाटर फ्रेंडली होते हैं। हां जी, डन। तो पेंट होने के बाद प्रोडक्ट यहां पर आते हैं पैकेजिंग एरिया में, यहां पे लाइट्स वगैरह लगती हैं सारी, ये ऐसे लाइट लगती हैं, लाइट्स इजीली अगर मान लीजिए कोई खराब हो जाती हैं तो वो रिप्लेसेबल होती हैं, कोई इशू नहीं आता जी। लाइट्स में हम लोग LED लगाते हैं। हाँ जी, LED लाइट्स हैं। ठीक है। और जो कलर का डिसीजन होता है वो भी इसी के स्ट्रक्चर के बेस पे होता है कि कहाँ पे कौन सा कलर यूज़ किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और क्वालिटी का QC कहाँ पे होता है, जहाँ पे हम चेक करते हैं कि इनमें किसी तरह का होल या किसी तरह का कोई सीपेज तो नहीं है? सारा वो पीछे हमारे यूनिट में चेक होता है, उसके बाद यहाँ पे रॉ मटेरियल हमारा बनता है, उसके बाद सब यहाँ पे आता है, सारा चेक हो गया। ऑलराइट।
तो संजीव जी, हम ये पैकिंग एरिया में हैं अभी इस टाइम पे। ये हमारे बॉक्सेस ऐसे पैक होते हैं। अच्छा। हाँ जी, प्रोडक्ट फाइनल होने के बाद में उनका लाइट और पानी का, सीपेज का क्यूसी होने के बाद। हाँ जी, आते हैं। जी, सभी ऐसे जाते हैं सारे पीसेस। जैसे किसी को सिंगल पीस चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। हमारा ये अभी होलसेल के लिए जा रहा है, तो इसमें जितने आइटम आ सकते हैं हम उतने आइटम इसके अंदर डाल देते हैं एक बॉक्सेस के अंदर। ठीक है। ये सारे अनब्रेकेबल आइटम होती हैं तो टूटते नहीं है। और साथ ही साथ हमारी जो पैकेजिंग है वो थर्माकोल वगैरह में होती है। ओके। तो ब्रेक होने का कोई सवाल ही नहीं है। डन। इसमें बबल पैक किया है आपने, फिर थर्माकोल लगाया इसके। हाँ जी, बबल पैक में, फिर कार्टन में। हाँ जी, थर्माकोल है, साथ ही साथ हम इसमें पेपर वगैरह की पैकिंग करते हैं, जैसे पहले हमने ऐसे पैकिंग वगैरह करते हैं। अच्छा, ओके, ठीक है। हम इस चीज़ का खास ख्याल रखते हैं कि हमारे व्यूअर्स के पास, कस्टमर्स के पास सेफ प्रोडक्ट जाए, इसलिए हम इतनी पैकेजिंग करते हैं। तो सब प्रोडक्ट्स चेक वगैरह होने के बाद, फाइनल होने के बाद हमारे पास यहाँ पे ऐसे दिखते हैं। ये सारे बिल्कुल रेडी होते हैं प्रोडक्ट्स। डन। अब हम जो हमारे रेडी प्रोडक्ट हैं वो चेक करेंगे आपके साथ। बिल्कुल। और जहाँ पे आपको कंफर्टेबल हो वहाँ पे आप हमें प्राइस बता दीजिएगा। बिल्कुल। और एक कल्चर है हम फॉलो करते हैं हमारे चैनल पे, जितने भी हमारे क्लैप्टर फैमिली मेंबर्स हैं उनको बता देते हैं इस चीज़ का कि जितने भी प्राइस मेंशन कर रहे हैं उसके अलावा जीएसटी एंड पैकेजिंग ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस अलग से होता है, राइट? 18% जीएसटी इसमें एक्स्ट्रा होता है, पैकिंग चार्जेस और डिलीवरी चार्जेस कोरियर के, जो आपके घर तक पहुँचते हैं डोर स्टेप तक, उसके सबके चार्जेस अलग होते हैं। ऑलराइट। बिल्कुल। एक्चुअली हमारी मैन्युफैक्चरिंग है तो इस वजह से हम मार्जिन जो है हमारे बहुत कम होते हैं, मिनिमम मार्जिन पे हम कस्टमर को पीस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो इस वजह से फ्लक्चुएशन आती है, मान लीजिए 5-6 महीने बाद जैसे कुछ नॉमिनल चार्जेस पे थोड़े बहुत हमारे प्राइसेस फ्लक्चुएट होते हैं। ये सब रॉ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा। हाँ जी, बिल्कुल। कि आपके रॉ मटेरियल के प्राइसेस चेंज होंगे तो आपके प्राइसेस चेंज हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बाकी ऐसा होता नहीं है, बहुत कम होता है। ओके, स्टार्ट द जर्नी नाउ, सफर की शुरुआत करते हैं। वी हैव टर्न्ड ऑन द लाइट्स। ओके, ब्यूटीफुल। चलिए अब आपके साथ स्टार्ट करते हैं। कहाँ से दिखाएंगे हमारे व्यूअर्स को? सबसे पहले हमारे ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जी, देखिए जैसे ये वाला है, राइट? ये 3 फीट का फाउंटेन है। अच्छा। हाँ जी। डन। और ये साउंड अच्छा करता है? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। ऑलराइट। क्या प्राइस रेंज में है ये? ये 3 फीट का फाउंटेन 10,500 का है। ओके। बाकी प्लस टैक्सेस वगैरह जो होती हैं इसके अंदर। ठीक है। हाँ जी। और ये जो है, जो भी मैं आपको प्राइसेस बताऊंगा ना वो सारे मेरे प्रोडक्ट के प्राइसेस होंगे। बाकी इसके अंदर जो भी आगे चार्जेस हैं वो अलग से होते हैं, जीएसटी और पैकेजिंग चार्जेस अलग से, वो जी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। राइट। ये क्या प्राइस रेंज में होगा अप्रॉक्सीमेटली? ये 6,500 का है। ठीक है। एंड दिस वन, ये वाला जो ये वाला है वो 7,000 का पीस है ये वाला। ठीक है। डन। थोड़ा सा नॉइजी वीडियो हो सकता है क्योंकि फाउंटेन्स ऑन है सारे, पर फिर भी हम कोशिश करेंगे कि क्लियर बात कर सकें। ये हाइटेड है काफ़ी, ये क्या हाइट है? 4.5 फीट की हाइट है इसकी। ऑलराइट। 8,000 इसका प्राइस है। ठीक है। और ये बुद्धा? ये बुद्धा जी हमारे काफ़ी चलते हैं जी, और इसका जो साइज़ है वो 4.5 फीट है हाइट इसकी। अच्छा। और प्राइस इसका 7,500 है। ऑलराइट। और ये वाले प्योर वाइट में? हाँ जी। ये क्या प्राइस रेंज में होंगे, क्या हाइट है? 4.5 फीट, सेम हाइट है इनकी, और 9,500 के हैं ये। बेसिकली जो प्राइसेस होते हैं वो डिज़ाइंस के हिसाब से होते हैं, और जैसे बिल्कुल नया लेटेस्ट प्रोडक्ट होगा तो वो थोड़ा सा कॉस्टली होगा। ये वाला हमारा बिल्कुल लेटेस्ट प्रोडक्ट में है, इसमें पीछे पत्ता है। ऑलराइट। हाँ जी। और थोड़ा सा डिटेल के ऊपर भी डिपेंड करता है ये कि हमने कितना डिटेल दिया है इसके अंदर। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। बेसिकली डिजाइन पे ही प्राइसेस होते हैं। चलिए ठीक। हाँ जी। अब जैसे ये वाला है, ये क्या हाइट में और क्या प्राइस रेंज में? 4.5 फीट हाइट की है इसकी जी, और 8,000 इसका प्राइस है। डन। और वो कॉर्नर में जो बुद्धा जी हैं वो हैंड बुद्धा है, 4.5 फीट के सेम, और इनका प्राइस 7,500 है। अच्छा, 4.5 फीट मतलब फ्रॉम ग्राउंड टू टॉप। हाँ जी, नीचे जो इसका स्टैंड लगा हुआ है ना, ग्राउंड से लेके और पूरा ऊपर तक का पीस। ओके। हाँ जी। एंड गणपति? जो ये गणेश जी है 9,500 के हैं, 4.5 फीट सेम हाइट है। ये सारे पीसेस जो अभी तक मैंने आपको दिखाई हैं सारे स्टैंड के साथ हैं। अच्छा। नीचे इनके स्टैंड्स हैं। ठीक है। अब जो हम देख रहे हैं ये वाले, जनरली इनको किसी तरह का स्टैंड की जरूरत नहीं होती ये वाले? नहीं, ये इसके ऊपर ग्लास लगा हुआ है, आप देखेंगे ना तो आप इसके ऊपर कुछ रख भी सकते हैं। बेसिकली ये फाउंटेन प्लस टेबल है। ऑलराइट। साइड टेबल की तरह या कॉर्नर टेबल की तरह? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्या प्राइस रेंज में? इसका 7,000 प्राइस है। ठीक है। हाँ जी। डन। लगभग 3 फीट इसकी हाइट है। और ये वाला? जो ये वाला है, जो छोटे वाला है पीछे, राइट,
बिल्कुल ठीक बात है, वी विल स्किप सम ऑफ देम नाउ, जो हमारे हाइलाइट्स हैं उनके प्राइस बता दीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल। ये एक, ये क्या हाइट में, ये वाला, ये वाला 2 फीट की हाइट है, ये भी अनब्रेकेबल फाउंटेन है। जितने भी हमारे पास आपको फाउंटेन मिलेंगे 2 फीट से ऊपर के, सारे अनब्रेकेबल फाउंटेन होंगे, ये टूटते नहीं है। ऑलराइट, हाँ जी। अब ये वाले जो हम देख रहे हैं ये बहुत पॉपुलर है आउटडोर में। हाँ जी, आउटडोर भी इंडोर भी आप रख सकते हैं जी। इनकी 3.5 फीट हाइट है और इनका जो प्राइस रेंज है इसका है 8,000। और बाकी ये दोनों, जैसे मान लीजिए ये वाला है, ये वाला हमारा लेटेस्ट पीस है, 12,500 का। ठीक है। हाँ जी। कभी कभी ऐसा है एलईडी बहुत विजिबल है, किसी किसी केस में एलईडी थोड़ा कंसील्ड होता है, ये डिजाइन पे डिपेंड। हाँ जी, हाँ जी, डिजाइन पे होता है बिल्कुल। राइट, इसके अंदर भी है एलईडी? हाँ जी, सबके अंदर, जितने भी वाटर फाउंटेन है सबके अंदर एलईडी आएगी। हाँ जी। ये हमारे गणपति हैं। हाँ जी, ये आपने देखा होगा, ये होम सेंटर वगैरह में लगे होते हैं। राइट, इनकी होम सेंटर में मैं आपको वैसे बता रहा हूँ प्राइस कंपैरिजन के लिए, लोग कहते हैं कि मार्केट में भी सेम प्राइस मिल रहा है, आप होम सेंटर पे जाके चेक कीजिए, यही वाला सेम पीस 34,000 का है। अच्छा। हाँ जी, हमारे यहाँ ये 15,000 का है, ओनली हाफ प्राइस में ऑलमोस्ट। बिल्कुल। हाँ, खैर हमारा भी अक्सर जाना होता रहा है, जाना होता है इन सेंटर्स पे या अलग अलग स्टोर्स पे। हाँ जी, ये प्राइस रेंज क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग प्राइस है तो मुझे हाँ लगता है अप्रॉक्सीमेटली 50% के रेट पे। बिल्कुल बिल्कुल, आप अमेजोन वगैरह पे भी चेक कर सकते हैं, सारे पीस अमेजोन पे भी हैं, मेरे यहाँ ये 50% ऑफ में डायरेक्ट मिल जाएंगे। ठीक है, ये थोड़ा रिलीजन बेस हो गए है ना सारे। हाँ के सारे। और एक हम देख रहे हैं ये वाले जो है, ये आप अपने छोटे स्पेसेस में रख सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी जी, ये भी 2 फीट की हाइट है, 4200 का ये पीस है, जो ये वाला। हाँ जी, प्याली वाला जी। और ये वाला, ये वाला से हम हार्ट शेप फाउंटेन कहते हैं, ये भी 2 फीट की रेंज में है, ये 3800 का है। ओके, ठीक है, डन। सो वी सी सम ऑफ देम, प्लीज आइए हमारे साथ। कुछ यहाँ पे हम देख रहे हैं मयंक, जो जिनमें फाउंटेन नहीं है, जैसे ये हम देख रहे हैं। हाँ जी, जैसे ये वाले स्टैचू हैं, ये 3 फीट के स्टैचू हैं बुद्धा जी के। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं, क्योंकि हम रिलीजियस एरिया में एंट्री कर रहे हैं तो हम लोगों से शूज़ निकाल दिए, ध्यान से आगे चलते हैं। बिल्कुल, चलिए ठीक है, क्योंकि लोगों के सेंटीमेंट जुड़े होते हैं। बिल्कुल, बताइए। और जैसे एक ये हमारा शिव जी का पीस है, इसमें भी लाइटिंग वगैरह सब है। अच्छा, अभी ऑन नहीं हो रखी शायद। बाकी ये भी वाटर फाउंटेन है, 4.5 फीट की हाइट है और 10,500 इसका प्राइस है। ठीक है, डन। ये भी अब हम जो हाइलाइट्स हैं वो बताएंगे। हाँ जी बिल्कुल, कौन सा दिखाएंगे? आ जाइए आप। कुछ हमारे बड़े पीसेज भी मिल जाते हैं, जैसे ये है जी, ये भी 4.5 फीट की हाइट है इनकी और 3 फीट की इसकी लेंथ है। बेसिकली अच्छा। ये गार्डन स्टैचू है जी। ये फाउंटेन में भी मिल जाता है। ओके, इसमें फाउंटेन में जो वाटरफॉल है वो कहाँ से होगा? जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये शिव जी है ना, उनके आगे हम फिर पत्ता लगा देते हैं। अच्छा, तो वो यहाँ से पानी फ्लो होना चालू हो जाता है। ओके, इन केस अगर जो है आपको वाटरफॉल चाहिए तो। हाँ जी, हाँ जी, अगर आपको वाटरफॉल चाहिए तो आगे सेम जैसे पत्ता लगा हुआ है वैसे ही बुद्धा जी में भी लग जाता है। वाओ, दिस इज़ वेरी नाइस, वेरी मैसिव। इसका क्या साइज होगा सर? ये वाला अगर आप बेस से लेके और ऊपर शिव जी तक की बात करते हैं तो ये लगभग 8 फीट का फाउंटेन है। ओके। हाँ जी, और इसकी कॉस्टिंग लगभग 1.5 लाख के अराउंड आती है। विद बेस। ठीक है, आगे चलते हैं अभी हम। हाँ, और ये जो हम देख रहे हैं जो छोटे छोटे स्टैचूज हैं, आर्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। हाँ, ये भी अवेलेबल हैं सारे जी? हाँ जी, ये भी अवेलेबल हैं सारे। अच्छा, कोई बात नहीं, इतना साउंड है ना हमारे पास ऑलरेडी श्योर है। हाँ, तो आई थिंक कि फैन के तो कुछ नहीं होगा। एंड आई वांट टू सी दिस वन, ये वाला देखना चाह रहे अभी हम। हाँ जी, इसमें अगर किसी को कस्टमाइजेशन कराना है कि मतलब आई लाइक दिस डिज़ाइन और लेकिन हमको बुद्धा की जगह मान लीजिए कोई और हमें लगाना है, मतलब माउंट मैरी, सॉरी मदर मैरी, जीसस क्राइस्ट, या फिर हमें सर वो बन जाएगा? वो नहीं बन पाएंगे, मेरे पास एक गणेश जी में आगे सेम मॉडल है। अच्छा, हमारी ना सारी डाइयाँ होती हैं। ओके, तो कस्टमाइजेशन ना कोई भी पॉसिबल नहीं है। बेसिकली हमारा ना सारा डाई से बनता है। अच्छा, तो इस वजह से ना कस्टमाइजेशन हो नहीं पाता, ना ही साइज का और ना ही गॉड्स का। ऑलराइट जी, बताइए। इसी में ही सेम मेरे पास गणेश जी में भी मॉडल आ जाता है, ये भी 7,000 का पीस है। ऑलराइट, ठीक है जी, 3 फीट इसकी हाइट है। ठीक है, और अब नेक्स्ट देखते हैं हम। अच्छा, कॉर्नर के लिए कुछ अलग ही डिज़ाइन हैं हमारे पास। हाँ जी बिल्कुल, जैसे वो देख रहे हैं वो शायद मेरे ख्याल में 90° एंगल पे आ जाएगा। हाँ जी, इसमें बुद्धा जी भी आगे मिल जाएंगे ऊपर बैठे हुए, और अच्छा, गणेश जी भी मिल जाएंगे, वो भी कॉर्नर के लिए परफेक्ट पीस है, 8,500 का है। ठीक है,
आई लाइक दिस वन, मुझे अच्छा लगा क्योंकि इसमें लाइट जो है ना काफी हिडन है, कंसील्ड है। हाँ जी हाँ जी। और ये अच्छा इम्पैक्ट देगा। हाँ जी। ये क्या प्राइस रेंज में होगा अप्रॉक्सीमेटली? सर ये वाला 4 फीट का फाउंटेन है और इसकी लगभग 2.5 फीट विड्थ है। ओके। हाँ जी। और इसका प्राइस जो है वो 18,000 है, क्योंकि इसके अंदर पानी का फ्लो आप देखेंगे ना काफ़ी अच्छा है, इसके अंदर पानी का फ्लो काफ़ी स्मूथ है वो। हाँ जी। ऑल राइट। आप आउटडोर भी रख सकते हैं इसे, इंडोर भी रख सकते हैं। ठीक है, डन। और बाकी हमारे पास और ऑप्शंस भी हैं बुद्धा में, नेचुरल भी हैं। चलिए और बताइए। फाउंटेन्स तो मेरे पास काफ़ी सारे मिल जाएंगे यहाँ पे, काफ़ी कस्टमर आके तो कन्फ्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल, जाहिर सी बात है। ठीक बात है ये। अच्छा ये कलर वेरिएशन है, हमने ये पत्ते वाला वहाँ पे व्हाइट में देखा था। हाँ जी हाँ जी। और ये हमारा ग्रे में है। हाँ जी। बेज में। आप अगर इसे आगे से दिखाएंगे ना तो ये भी होम सेंटर का पीस है। अच्छा। वो ये अराउंड 32,000 का इन्होंने रख रखा है। अच्छा। हाँ जी। और आपके पास कितने का है? मेरे पास ये 16,000 का मिल जाएगा। ठीक है। हाँ जी। एक पीस है जो मुझे बड़ा अच्छा लगा मैं। हाँ मुझे लगता है कि वो लोग जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स को अटैच नहीं करना चाहते, हाँ जी, लेकिन वो चाहते हैं कि अच्छा एक फाउंटेन मिल जाए, तो ये उनके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है। हाँ जी बिल्कुल। ड्राइंग रूम में भी रख सकते हैं आप इनको, छोटे बैल्कनीज में रख सकते हैं। बिल्कुल, मेरे पास नेचुरल फाउंटेन्स काफ़ी सारे मिल जाएंगे। अच्छा, यू कॉल देम एज नेचुरल फाउंटेन? हाँ जी हाँ जी। हम डील तो सब सारे फाउंटेन्स में करते हैं, नेचुरल भी काफ़ी सारे मिल जाएंगे, मगर वीडियो में सारे दिखाना काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। बिल्कुल। हाँ जी। सो हम लोग एक राउंड पूरा कर लें अभी। ओके, आई लाइक दिस फॉल, इसका जो फॉल है वो बहुत अच्छा है। हाँ जी। ये पीस भी काफ़ी बड़ा है, ये 3 फीट की इसकी विड्थ है और 4.5 फीट का ये बुद्धा है। ओके। हाँ जी। ठीक है। और ये थोड़ा आर्टिस्टिक है, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है ये। जैसे हमारा ये वाला पीस है, ये भी 5 फीट की हाइट में, आप इसे एक बार पूरा दिखाएंगे ना तो ये भी सारे आउटडोर फाउंटेन है और इंडोर फाउंटेन भी आप लगा सकते हैं। Right. ये किसी रिलीजियस में भी नहीं आते, नेचुरल फाउंटेन्स होते हैं बेसिकली। इनका अपना एक थीम है, मुझे लग रहा है ये थोड़ा आर्टिस्टिक थीम है। बॉक्सेस बने हुए हैं। बॉक्सेस। हाँ जी। देयर आर सम ब्रिक्स बॉक्सेस और कुछ पेंट ब्रश है उसमें, और जो प्लायर आप देख रहे हैं वो जो है वो डाला गया उसमें। हाँ जी। है ना, ये इसी पीस के अंदर है ये। राइट। वो भी फाइबर में बनाया है? हाँ जी, वो भी फाइबर में ही है। वाओ। लगेगा आपको ओरिजिनल टाइप। ठीक है, ये एक बड़ा अच्छा थीम क्रिएट किया है आपने। हाँ जी। जो थोड़ा सा रॉ एंड एजी है। क्या प्राइस है इसका? इसका 19,500 प्राइस है। ओके। हाँ जी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ। हाँ जी। ये वाला, इसकी जो विड्थ है, लेंथ है 3 फीट की हाइट है इसकी, सॉरी हाइट जो है इसकी, जो इसकी हाइट है वो 5.5 फीट की है। ओके। और जो इसकी विड्थ है वो 3 फीट की है विड्थ। ये क्या प्राइस रेंज में? प्राइस इसका 38,000 है। ऑल राइट। जो ये रेंज हो जाती है ना, जो मैं अब आपको फाउंटेन दिखा रहा हूँ, ये सारे प्रीमियम फाउंटेन्स कहते हैं मैंने। इसमें बेसिकली ये आउटडोर के लिए बनाए जाते हैं हैवी मटेरियल के साथ। इसमें लेयर्स जो हमारी यूज होती हैं 10-12 लेयर्स यूज होती हैं फाइबर की, ताकि इन पीस में कोई भी इशू ना आए, क्योंकि जो कस्टमर्स हैं हमारे वो गार्डन वगैरह में रखते हैं, तो लीकेज वगैरह के इसके अंदर कोई चांसेस नहीं होता किसी भी पीस में। डन। अब हम देख रहे हैं ये टर्न ऑफ मोड पे है, जिसमें लाइट्स ऑन नहीं है। हाँ जी। और अगर आप चाहें तो विदाउट लाइट भी आप इस तरह से इनको यूज़ कर सकते हैं। हाँ, बट इसके अंदर लाइट वगैरह सारी आती हैं, अभी एक्चुअली ऑन नहीं है इसकी लाइट्स। हाँ, लेकिन एक हमको आइडिया भी मिल गया कि ये कैसा दिखाई देगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। चलिए ठीक है। ये भी 5.5 फीट की हाइट में, जो भी अभी फाउंटेन आप देख रहे हैं ना, 5 से लेकर 5.5 फीट तक की हाइट में, और ये सारे प्रीमियम सेगमेंट में आते हैं हमारे। डन। रेंज इनकी जो होती है वो 36,000 से लेके 46,000 तक की रेंज होती है। ठीक है। डिपेंडिंग ऑन डिज़ाइन। जैसे हमारा ये वाला पीस है, आप देखेंगे ये भी आउटडोर के लिए है, इनडोर के लिए, दोनों के लिए है, और इसका जो प्राइस है वो 39,000 है। ठीक है। इसके बारे में एक छोटा सा हम क्रिएटिव टिप दे दें हमारे व्यूअर्स को, कि जब भी आप एक्सटीरियर में इनको अगर यूज़ कर रहे हैं कहीं अपने गार्डन में किसी लॉन में, तो कॉर्नर में आप रखें, इसके आसपास रियल प्लांट्स रख दें। हाँ बिल्कुल। तो इसकी ब्यूटी जो है और ज़्यादा एनहेंस हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। राइट, यू कैन हैव एरिका पाम, अदर प्लांट्स। हाँ जी। ठीक है, डन। अब लास्ट वाला है ये, और हाइट में ज़्यादा है। हाँ जी। ये हाइट क्या है इसका? 5.5 फीट है इसकी हाइट। ओके। ये भी हमारा काफ़ी जो प्रीमियम सेगमेंट में सबसे ज़्यादा चलने वाला हमारा प्रोडक्ट है। इसमें एक तो जो इसका पानी का फ्लो है वो काफ़ी जगहों से आता है। अच्छा। हाँ जी। इसका प्राइस है 38,000, 5.5 फीट की इसकी हाइट है और 3 फीट की इसकी लेंथ है। ऑल राइट। यानी कि ऊपर से ये दो जगह से स्प्लिट होता है। हाँ जी। फिर देन इट कीप्स ऑन गोइंग लाइक दिस until it becomes one and then again it gets split into two। हाँ जी। हाँ जी। ये मैंने अभी आपको जितने भी फाउंटेन दिखाए हैं ना यहाँ पे, जो 5-6 बड़े फाउंटेन दिखाए हैं, आप मार्केट में इसका पता करेंगे
कंफर्म ये 1 लाख से ऊपर होंगे सारे फाउंटेन्स। ओह ओके, हाँ जी ठीक है। इसका क्या प्राइस बताया आपने? 39,000। ओके ठीक है, डन। एक बार हम इसका प्राइस बताएंगे। हाँ जी, दिस शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन, क्योंकि बहुत सारे यूनिट्स हमने दिखाए हैं और बड़ा मुश्किल होता है सबके प्राइस रखना। बिल्कुल, यार बिल्कुल। इसका क्या आपने प्राइस बताया? 39,000 है इसका प्राइस। 39,000। हाँ जी, 39,000 रुपीज़। ओके, अभी नेक्स्ट कौन सा देखेंगे? अभी हम ये फिर छोटे फाउंटेन्स में आ जाते हैं। ये वाला 4 फीट का फाउंटेन है, ये भी हमारा काफ़ी अच्छा चलता है। ये आप कॉर्नर में भी रख सकते हैं ये फाउंटेन। ठीक है, हाँ जी। इसका प्राइस है 12,500। ओके ठीक है। अब ये बहुत छोटे वाले हैं। हाँ जी, ये 1 फीट के फाउंटेन्स आते हैं। इनको लोग जनरली लोग कहाँ रखते हैं? ये अपने जैसे टेबल टेबल वगैरह पे, स्टडी टेबल पे, कॉर्नर्स में, वहाँ पर रखते हैं। ये 1 फीट के फाउंटेन है, बस आप ये समझ लीजिए मेरा हाथ है, इससे बस इतना साइज है। राइट, क्या प्राइस रेंज है इसका? इनका सबका 2,000 है, कोई सा भी फाउंटेन। हाँ जी, ओके 2,000 ऊपर से लेके नीचे तक। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, ये बहुत डिफरेंट कलर है मैम। हाँ जी, ऑनेक्स, ब्लू ऑनेक्स की तरह। हाँ जी, ये क्या प्राइस रेंज में? ये 4 फीट का फाउंटेन है और इसका प्राइस 8,000 है। चलिए ठीक है, ऑल राइट। सारे फाउंटेन्स आई थिंक मयंक बहुत खूबसूरत हैं और सबकी अपनी इंपॉर्टेंस है, सबके अपने अपने फेथ हैं, सबके अपने अपने आइडियाज़ हैं, बट आई पर्सनली लाइक दिस वन। दिस इज़ वेरी टॉल एंड जाइगेंटिक इन साइज, डिटेलिंग बहुत अच्छी है। हाँ जी, कलर्स का उसके अंदर आप डिटेल देखें और उसके अंदर एवरी सिंगल एनाटॉमी आई कैन चेक, राइट फ्रॉम द रिब केज टू रुद्राक्ष टू हेयर, फेशियल एक्सप्रेशन, एवरीथिंग इज अमेजिंग। आई रियली लाइक दैट। आई थिंक परफेक्टली सूटेबल फॉर टेम्पल्स एंड लॉट ऑफ पीपल हु हैव लार्ज साइज गार्डन। हाँ जी, रेस्टोरेंट्स वगैरह में। हाँ, रेस्टोरेंट, होटल्स वगैरह में। एग्जैक्टली, डन। तो ये काफ़ी, वैसे इसका साइज़ भी चौड़ाई में भी काफ़ी है, 6 फीट इसकी लेंथ है। राइट, और 8 फीट का तो ये फाउंटेन है ही। डन। एंड दिस वन, ये गणेश जी का फाउंटेन है, ये भी हमारा काफ़ी हॉट सेलिंग पीस है जी। इसका प्राइस 16,500 है और ये 3.5 फीट का है। ऑलराइट, इसमें एक ग्लॉस है, सॉरी आप कुछ कह रहे थे। इसमें ना हर दिए में से पानी आता है, जैसे आप देखेंगे ना, तो अगर आप पीछे से थोड़ा देखें पूरा पीस, तो ये रखा हुआ काफ़ी अच्छा लगता है और साथ ही साथ इसमें जो इसकी वाटर की नॉइस है वो भी काफ़ी अच्छी है। अच्छा, ओके, जो इसमें जो साउंड है वो बहुत अच्छा दिख रहा है। अच्छा, और इसमें दिख रहे हैं कि नीचे जो है वहाँ पे कलेक्ट नहीं होता, सब अंडरग्राउंड कलेक्ट होता है। ओके, वेरी ब्यूटीफुल। लेट मी गिव यू एन ओवरऑल व्यू। दिस इज द एंटायर कलेक्शन ऑफ हारमोनी एंड आर्ट एंड क्राफ्ट। लुक एट द काइंड ऑफ कलेक्शन दे हैव एंड टाइम टू शो यू द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल पीस। हियर इट इज। मैं, ये हमारा सबसे खूबसूरत पीसेज में से एक है। हाँ जी बिल्कुल, ये अभी लेटेस्ट डिज़ाइन आया है जी। ये अब बेसिकली गार्डन्स वगैरह या किसके पास बड़ी जगह है उनके लिए है। हाँ जी ठीक है, टेरेस गार्डन वगैरह हो गए उनके लिए है ये स्पेशली। एक कस्टमाइज करा हुआ हमारा पीस है। इसकी जो लेंथ है वो 6 फीट लेंथ है, 7 फीट इसकी हाइट है। अच्छा, हाँ जी ठीक है। और इसका फ्लो हमने जो बनाया है वो काफ़ी अच्छा फ्लो है इसका। राइट, ये अभी एक किसी कस्टमर के पास ही जा रहा था। ये कहाँ पे डिलीवरी होगी? ये होनी तो वैसे पंजाबी बाग है और ये लगना टेरेस गार्डन में। ओके, हाँ जी। अब इसका अप्रोक्सीमेट वेट क्या होगा, क्योंकि ये टेरेस पे जाएगा तो? अप्रोक्सीमेटली इसका वेट होगा 100 kgs के आसपास। अच्छा, हाँ जी। ओह ओके, बड़ा पीस भी है ना, इसका टैंक यहाँ से लेके पूरा वहाँ तक है। ऑलराइट, ऐसा लगता है कि ये मतलब एक्सटेंडेड वर्जन है, स्लाइस ऑफ नेचर, वेरी ब्यूटीफुल पीस, विदाउट वाटर ये ऊपर जाएगा, राइट? ऐसा, ओके ठीक है। ये डिलीवरी जो ट्रांसपोर्ट में जाता है दो पार्ट में जाएगा, एक पार्ट ये जाएगा, एक पार्ट ये जाएगा इसका। ठीक है, हाँ जी। तो ईजिली हम इसे ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आता और बनवाने की ज़रूरत भी नहीं आपको, आपके पास ये सीधा बना बनाया जाएगा। ओके डन। अब हमारे पास कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो रिलेटेड टू दिस और मे बी अदर, बाकी सबको लेके। एंड बिफोर वी साइन आउट, एक बहुत अच्छा पीस है, इसका क्या अप्रोक्सीमेट कॉस्ट आया होगा? सर इसका अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट था 1,30,000 का। हाँ, और अगर आप इसके अंदर और एक्सटेंड कराना चाहते हैं, मान लीजिए आपकी वॉल काफ़ी बड़ी है जी, आपको 6 फीट का तो यही है, 9 फीट का चाहिए तो वो भी बन जाएगा इसके अंदर, 7 फीट इसकी हाइट रहेगी। ऑलराइट, हाँ जी ठीक है, डन। Time to say goodbye. We deliberately have turned them off because it was making
together they were making a sound and it was disturbing, but they have amazing sound. अगर आप individually एक एक piece को सुने, there are couple of things. एक तो slice of nature है, खूबसूरत sound है, beautiful visualization है ना, एक छोटा सा piece of nature आपके घर में create हो जाता है. Right, so जाने से पहले एक दो चीज़ और हैं वो जो आपसे पूछना चाहेंगे हम, कि इंडिया as we all know is a price conscious market, और हम सब की tendency होती है कि हम प्राइस के बेसिस पे प्रोडक्ट को क्वालिटी जाने बिना कंपेयर करते हैं. ठीक है, ऑफ कोर्स आपके प्रोडक्ट्स को भी लोग कंपेयर करते होंगे, तो आप कैसे देखते हैं उस पूरी सिचुएशन को? सर एक्चुअली हमारा सारा ना, आप ये मान लीजिए एक्सपोर्ट होता है, ऑल ओवर इंडिया भी आता है, एक्सपोर्ट भी हम करते हैं, रिप्रेजेंट करना होता है इंडिया को जी. तो हमारी जो क्वालिटी होती है ना वो वन ऑफ द बेस्ट होती है. ओके, आप ये मान लीजिए ये पीस तो चलो आपको दिख ही रहा है रफ एंड टफ, हमारे छोटे से छोटे पीस तक है ना, ये 6 लेयर के पीसेज होते हैं, हैवी वेट होता है. मार्केट में जो पीस मिलेंगे आपको 2 से 3 किलो के, हमारे पास वो 9 से 10 किलो में पीस होंगे और क्वालिटी प्रीमियम होगी. जो मार्केट में पीस मिलते हैं ना कुछ टाइम बाद बेंड हो जाते हैं, पेंट्स में इशू आने लग जाता है, पेंट निकलना चालू हो जाता है, वॉशेबल नहीं होते. अगर आप बात करते हैं ना, मैं वैसे आपको इस पर चढ़ के दिखाता हूँ, तो आप ये देखिए ये इजिली सहलेगा. मैं इसे गेयर भी दूँ ना, मेरा वेट है 70 kg. ओके, एक बार फिर से दिखाई, मैं आपको दिखाता हूँ. ये देखिए, ओह ओके, ये फिटनेस टेस्ट था जो हो गया इनका, राइट? आप ये समझिए हम क्वालिटी आपको प्रोवाइड करेंगे प्रीमियम सेगमेंट में. ऑलराइट, ये हमारे सारे प्रीमियम फाउंटेन्स हैं सारे जितने भी हैं, तो आप इसे मार्केट से प्लीज मत कंपेयर कीजिएगा. नहीं नहीं, आई एम नॉट इंसिस्टिंग दैट. इनफैक्ट क्लैपट्रैप इज नोन फॉर क्वालिटी प्रोडक्ट, वी डू नॉट जनरली शूट लाइक दिस अनलेस वी डू द ड्यू डिलिजेंस डन. तो जो आपने कहा मैं इसको ट्रांसलेट कर दूं फॉर द पीपल दोज हू आर स्पीक वॉचिंग द वीडियो फ्रॉम अ नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट, वॉट मयंक इज ट्राइंग टू टेल अस दैट प्लीज डू नॉट मेक अ कंपेरिजन बिकॉज विदाउट नोइंग द क्वालिटी. वी हैव डन द फिटनेस टेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट. Because inferior version of fountains, they over the period of time either they will bend or colors will fade out because of the ultraviolet radiance. Also, and they are fragile, they break. The motor part, the electronic part plays an important role. We use very heavy duty motors. Our lights are very strong. They will not wear off over the period of time. They'll come with along with warranty. So you can, I mean, you rest assured the quality is very good. So let's not make a very very irrational comparison between inferior product and good product, right? ठीक है ना, done. Colors को लेके भी concern था, वो भी आपने दूर कर दिया. These colors will remain forever. Colors का मैं आपको और बता देता हूँ. Colors जो हमारे होते हैं washable होते हैं सारे और कभी भी ख़राब नहीं होते. ओके, मैं आपको कुछ colors ऐसे भी दिखाऊंगा जो, जैसे मान लीजिए ये वाले colors हैं, इनमें PU paints यूज होते हैं. अच्छा, ये आपके जैसे गाड़ी कार वगैरह होती हैं वो पेंट्स यूज करे हुए. ओके, ठीक है, डन. तो मतलब कलर्स आर अश्योर्ड, सब कुछ स्ट्रॉन्ग रहेगा इसमें. ऑलराइट, ठीक है, डन. नाउ क्विकली हम बता दें हमारे व्यूअर्स को, यू आर एन एक्सपोर्टर, यू हैव एन एक्सपोर्ट लाइसेंस. दीज प्रोडक्ट्स कैन बी डिलीवर्ड एनीवेयर प्रोवाइडेड द क्वांटम इज ओके. क्यूएसी जो आपका है वो ठीक होना चाहिए. एमएक्यू है ना, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी. बिल्कुल, वो क्वांटिटी होनी चाहिए, ऊपर डिपेंड करेगा. बट विद इन इंडिया यू कैन डिलीवर ऑल ओवर इंडिया है. सिंगल पीस में हम डिलीवर कर देंगे ऑल ओवर इंडिया. ओके, कोई इशू नहीं होती. व्यूअर जो है वो उसकी टेंशन ना ले, सिंगल पीस में डिलीवर हो जाएगा. डन, विद पैकिंग और सारी चीज़ें डन. कुछ प्राइजेस हमने मेंशन किए हैं, दे कैन गो बी लिटिल अप एंड डाउन बिकॉज मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में जब हम शूट करते हैं तो कुछ प्राइजेस ऊपर नीचे हो जाते हैं, ऐसे ह्यूमन एरर. दिस इज वन. GST एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, पैकिंग इज सेपरेट. वी हैव बीन सेइंग दिस. इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, प्राइजेस मे वेरी बिकॉज रॉ मटेरियल का कॉस्ट बदलता जाता है, राइट? ओके, एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू से? हमारे जो मार्जिन होते हैं ना वो बहुत कम होते हैं. हम अपने व्यूअर्स को एक नॉमिनल चार्जेस में पीस प्रोवाइड करते हैं. जैसे व्यूअर्स ने देखा हमारी मैन्युफैक्चरिंग है, तो हम कम उसके अंदर अपने मार्जिन में कस्टमर को पीस प्रोवाइड करते हैं. तो इस वजह से प्राइस फ्लक्चुएट भी होते हैं. जैसे हमारे रॉ मटेरियल्स पीछे से आते हैं, कॉस्टली होते हैं, इस वजह से थोड़े बहुत प्रोडक्ट में डिफरेंस आ सकता है. 50, 100, 150 इस रेंज में, ज़्यादा नहीं. आप उसकी टेंशन मत लीजिए. जो कस्टमर देख रहे हैं 6 महीने से पहले भी, उनके लिए भी कोई इशू नहीं होगा. नहीं, अगर बहुत बहुत कम पॉसिबिलिटी तो भी जस्ट भी बिल्कुल भी थोड़ा सा लीनियंट रहे. हाँ, ठीक है, डन. थैंक यू वेरी मच, इट वॉज प्लेजर मीटिंग यू.
एंड थैंक्स अ लॉट फॉर शोइंग अस अराउंड, फिर आपसे मिलेंगे. ओके, बेस्ट ऑफ लक.